राइटिंग दोनों करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेक आउट योर इंग्लिश CW बुक एंड ओपन योर बुक। यू हैव टू ओपन पेज नंबर 130 जिसमें है स्मॉल लेटर ओ। ओके तो स्टूडेंट्स टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर एंड लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। कौन सा पिक्चर है ये? यस ऑक्टोपस। वेरी गुड। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ओ फोर ऑक्टोपस, ओ फोर ऑक्टोपस। ओके नाउ चलो हमारे ड्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम स्मॉल लेटर की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ मिडल लाइन का ही यूज करना है, ये आपको याद रखना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे पूरा सर्कल कर देंगे। तो ये हो गया स्मॉल लेटर ओ। अगेन मिडल लाइन में आपको सिर्फ ऐसे सर्कल ही करना है तो ये अच्छे से ट्रेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ से स्टार्ट किया एंड देन सर्कल स्मॉल लेटर ओ। स्टूडेंट स्मॉल लेटर ओ और कैपिटल लेटर ओ दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है लाइंस का, कि कैपिटल लेटर होते हैं वो हम फ्री लाइन में लिखते हैं और स्मॉल लेटर से वो हम मिडल लाइन में लिखते हैं, बाकी दोनों की मेथड एक जैसी ही है। ओके चलो नाउ नीचे अपनी राइटिंग स्टार्ट करेंगे। सो मिडल लाइन में हम करेंगे सर्कल और ये हो गया स्मॉल लेटर ओ। अगेन मिडल लाइन में सर्कल स्मॉल लेटर ओ। नाउ नेक्स्ट वन, स्मॉल लेटर ओ, ओ फोर ऑक्टोपस। नाउ थर्ड लाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको मिडल लाइन में ही लिखना है। देखो आपने अगर ऐसे कर दिया तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये लाइन से बाहर चला गया है। देखो आपको लाइंस के अंदर ही लिखना है, यहाँ पे ऐसे छोटा सा ही लिखना है। ओके चलो नाउ लास्ट वन, मिडल लाइन में सर्कल स्मॉल लेटर ओ, ओ फोर वाटर। नाउ स्टूडेंट्स इतनी लाइंस आपने मेरे साथ की, अभी इसके नीचे और भी लाइंस हैं तो इसी तरह से कंप्लीट करना। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स इंग्लिश की HW बुक निकाली है। टेक ओपन योर बुक। यू हैव टू ओपन पेज नंबर 30। ये पूरा पेज आपका होमवर्क।